हेलो एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड विशाल। यस, आपके सामने एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि मॉक टेस्ट लाने का बस एक ही मकसद है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको मॉक के साथ डील कैसे करना है। और ये मॉक मैंने स्पेशली खुद ही दिया है कि जिससे कि मैं आपके सामने ला कर दिखा पाऊँ कि आपको मॉक के साथ डील कैसे करना है। क्योंकि अगर आप मॉक के साथ डील करना सीख गए तो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में एक महीने या डेढ़ महीने में आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम जरूर देने होंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकते। 100% मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका है ग्रुप डी में, 2018 के ग्रुप डी में, और 17.79 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैंने वहाँ पर सिक्योर किए हैं अपने खुद के। ओके, और अगर आपको मुझसे रिलेटेड कोई वीडियो देखना है, ठीक है, मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था, मैंने कैसी पढ़ाई की थी, सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और आगे जो कुछ वीडियोस आएंगे वो स्ट्रेटजी को लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी और मैंने कैसे उसके साथ डील किया था, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बातों के अभी मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। जी, ग्रुप डी का मॉक है अगर अपने सामने आप देख रहे होगे ना, तो इस मॉक को मैंने खुद दिया है, इसलिए आपके लिए दिया है कि जिससे मैं आपके सामने एक मॉक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मॉक के साथ आपको डील कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट इस मॉक को ओपन कर लेता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक जो मॉक है ना, ये textbook.com का है। तो textbook से मैंने ये मॉक दिया था कि क्योंकि textbook के पता होगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही रिलायबल मॉक्स होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे वन बाई वन करके बताऊँगा कि आपको मॉक के साथ डील कैसे करना है। स्पेशली मैं ये बताऊँगा कि अगर आपके मार्क्स 50-60 के बीच में आ रहे हैं या फिर 45-55 के बीच में आ रहे हैं, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जो 50-55 के बीच में ही रह जा रहे हैं और मुश्किल से उनका 45-50 या 55 मार्क्स आते हैं। तो ये उन वैसे बच्चों के लिए है। और मैं बता दूँ कि ये मार्क्स मैंने रैंडमली उठा लिया है क्योंकि मैंने सिलेक्शन ले लिया है, तो मुझे कोई अभी इतना ज़रूरी तो नहीं है मॉक देना। तो मैं इससे रैंडमली इस मॉक को उठाया हूँ, जस्ट मैं आपके सामने भी एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपको मॉक के साथ डील कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जब भी आप मॉक दो ना, तो मॉक में स्पेशली इस चीज़ पर फोकस करा करो कि आपकी जो रैंक है वो कितनी आ रही है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रैंक आपको ये भी देखना होता है कि आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है। ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। और मैं ये चीज़ें आपको बार बार बताता हूँ कि आप जब भी कोई मॉक दो ना, तो बस इससे ही फोकस करो आप परसेंटाइल पे और अपनी रैंक पे। क्योंकि कोचिंग वाले क्या होते हैं ना, वो जो मॉक बनाते हैं वो थोड़ा सा अपने लेवल के हिसाब से बनाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न को लेकर चलते हैं। कभी कभी क्या होता है मॉक का लेवल थोड़ा हाई रख देते हैं और कभी कभी क्या होता है मॉक का लेवल थोड़ा लो रखते हैं। तो जिस वजह से ना आपको अपने मॉक्स कम या ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आपको लेकर हाइपर नहीं होना है। जस्ट आपको फोकस करना है अपने रैंक पर और अपने परसेंटाइल पर, क्योंकि यही दोनों चीज़ें आपको बता पाएंगी कि आप कितने पानी में हो। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे 3 पॉइंट को लेकर डिस्कस करूँगा। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि कुछ बच्चे क्या होता है, जैसे मॉक्स दे देते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है मॉक्स तो दे दिया, नंबर भी उनके मान लीजिए 60 आ गए 65 आ गए 70 आ गए, चलिए ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उसका एनालिसिस करते हैं ना, उसका ठीक से एनालिसिस वो कर नहीं पाते हैं। उनका एनालिसिस करने का मेथड क्या होता है कि वो इनकरेक्ट जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है, बस देख लिया। और जो उनके अनअटेम्प्ट जो छूटे होते हैं, जिसको उन्होंने डील नहीं किया होता है, जिनको उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होता है, उसको देख लेते हैं। बस इन दोनों के बेसिस पर अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और वो सोच लेते हैं कि हाँ मेरा मॉक का एनालिसिस हो गया, जबकि ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये आपने अभी तो पूरा मॉक एनालिसिस इस तरह नहीं किया है, इस तरह से नहीं किया जाता है। मैं कैसे मॉक का एनालिसिस करता था, तो मैं उसको यहाँ पूरा सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, यहाँ पे सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको खोल के रख दूँगा, सारा मैं अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था, सारा कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर ले बनाऊँगी, ठीक है। तो जस्ट आपको ये देखना है कि अपने मॉक को परसेंटाइल, ठीक है। तो और सेकेंड बात क्या है कि आपको ये देखना होता है कि आपके जैसे मान लीजिए 19, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 19 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, 19 क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स केवल 62 आए हैं, ठीक है। तो सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ सोल्यूशन में। चलिए एक बार सोल्यूशन को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और जस्ट सोल्यूशन में आपको ये देखना है कि जो आपने करेक्ट किए हैं, सबसे पहले आपको इनकरेक्ट वाला देखना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लेते हैं इनकरेक्ट वाला, यहाँ से देखिए, तो आपको जस्ट ये देखना है कि आपने इनकरेक्ट कितने क्वेश्चंस किए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किए हैं ना, उनको वन बाय वन पॉइंट करके आपको एक पेज पे नोट करना है और जस्ट ये देखना है कि वो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं या फिर गलती से आपने सिली मिस्टेक्स किए हैं। अगर वो टॉपिक्स आपके रियल में कमजोर हैं, तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक्स को एक पॉइंट पे कॉपी पे नोट करना है, जस्ट उसको रिवाइज करना है, ठीक है।
और रिवाइज करने के बाद आपको ये करना है कि जो सेकंड आने वाले मॉक्स है, जो आगे आने वाले दिनों में आप मॉक्स लगाओगे या पेपर दोगे, तो वहाँ पे ये गलती आप दोबारा से ना करो, ये ऐसा उम्मीद आप लेके चलना, ठीक है। और सेकंड थिंग आपको क्या करना है, जितने भी चीज़ें आप नोट्स करोगे उसकी उसको आप ज़रूर से तैयार कर लेना, क्योंकि आने वाले मॉक्स में आपको ये गलती दोबारा से नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। और वन बाई वन करके आपको सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेने हैं और उसको रिवाइज इस तरह कर लेना है कि दोबारा से अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ मुझे गलती नहीं करने हैं। और जस्ट आपको इस पर भी फोकस करना है कि अगर आपने सिली मिस्टेक्स किए हैं तो उस सिली मिस्टेक्स को आपको दोबारा से नहीं दोहराना है, ये आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। तो जस्ट आपने देख लिया कि इनकरेक्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपने रिवाइज कर लिया और अपने कॉपी पर कहीं नोट कर लिया, ठीक है, पॉइंट करके, और सारे टॉपिक्स को आपको रिविजन कर लेने हैं, ठीक है। और अगर सिली मिस्टेक्स वगैरह हैं तो उसको आपको नेक्स्ट आने वाले मॉक्स में सुधारने है, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज आपको किस पे फोकस करना है कि आपने कितने सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो आप अनअटेम्प्ट वाले में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया था, अनअटेम्प्ट किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो इस अनअटेम्प्ट वाले में आपको क्या देखना है कि ये जो इतने भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं जो आपको नहीं आ रहे थे, क्या वो सही में आपको नहीं आ रहे थे या फिर आपके पास टाइम नहीं था उसकी वजह से आप नहीं कर पाए। तो अगर आप रियलिटी में आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन छोड़ने लायक थे तो ठीक है, वो उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोशिश यही करना कि आपके से जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं तो वो दोबारा से आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया है तो आप वो ना छोड़ो, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से एक पॉइंट में नोट करके रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड थिंग, ये दोनों चीज़ आपको लेकर चलना है, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को नोट करने हैं, ठीक है, और देखना है कि आपकी ये क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे गलती कैसे हो गया, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो जस्ट उसको आपको पढ़ लेना है। और अगर आप पढ़े हुए थे आपको उस समय याद नहीं आ रहा था तो जस्ट उस टाइप को आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। एंड थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, आपको जितने सारे करेक्ट हुए ना, देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, यहीं से उनका एनालिसिस खत्म हो जाता है, पर असली एनालिसिस तो अब यहीं से शुरू होता है। जस्ट आपको जो करेक्ट किया ना उस पर आपको फोकस करना है। एंड देन आपको यहाँ पे ये देखना है ना कि आपने जो करेक्ट किए हैं ना, तो करेक्ट किए तो उसमें आपने टाइम कितना ले लिया है। कहीं आपने किसी क्वेश्चन पे 5 मिनट 27 सेकंड तो नहीं ले लिया, कहीं आपने किसी क्वेश्चन पे 3 मिनट 27 सेकंड नहीं ले लिया, कहीं आपने किसी क्वेश्चन पे 4 मिनट 23 सेकंड तो नहीं ले लिया। जस्ट आपको इस पर फोकस करना है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है ना तो आपको उस क्वेश्चन को उठाना है और देखना है क्या रियलिटी में आपको क्वेश्चन को इतने टाइम देने चाहिए थे या फिर आपको आपने गलती से उसको इतना टाइम दे दिया। क्योंकि हो सकता हो कि आपने जिस क्वेश्चन पे 4 मिनट 23 सेकंड दिया हो वहाँ उसकी बजाय आप चाहे तो साइंस और जीके के 7-8 क्वेश्चंस वहाँ से कर लिए होते। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक क्वेश्चंस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ किसी क्वेश्चंस को जरूर 4 मिनट तो मैंने दिया ही था, मुझे यहाँ तक याद है। एक्चुअली वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे यार परेशान कर दिया था, तो आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पर, शायद नीचे होगा, ठीक है। ये भी देखिए 2 मिनट 31 सेकंड है, ये भी इतना भी टाइम आपको नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो उसके लिए बजाय आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो आपको बस ये देखना है कि जो आपने सही किया है ना उसको इतना टाइम भी आपको नहीं देना है, ठीक है। तो शायद देख लेता हूँ यही कहीं होगा, ठीक है। वैसे मैंने सारे टाइमिंग्स अच्छे ही लिए हैं, सभी 1 मिनट के अंदर ही मैंने किए हैं। आप ध्यान से देखो तो सारे क्वेश्चंस मैंने 1 मिनट के अंदर ही किए हैं, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग के हो। किसी किसी क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट दे दिया है, वरना किसी में भी आप मैंने 3 मिनट भी नहीं दिया है। तो जस्ट आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना है और देखना है कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है टाइमिंग के अंदर। हाँ देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये क्या रेशियो का क्वेश्चन था, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। जैसे इसमें क्या था ना, ए रेशियो बी इक्वल टू 3:2 दिया था एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 5:4 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 3:7 दिया था। तो मुझसे पूछा था क्या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पूछा था। तो इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है। और देखिए 75% बच्चों ने इसको सही भी किया है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि जिस क्वेश्चन को आपने 3 मिनट 44 सेकंड दे दिया वो क्वेश्चन उस लायक था ही नहीं, वो क्वेश्चन शायद 1 मिनट का भी नहीं था। तो जस्ट इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। एंड देन आपको ये भी देखना है कि कितने सारे बच्चों ने इसको सही किया है और आपने इसको गलती कैसे कर सकते हैं और इतना टाइम कैसे लगा सकते हैं। जस्ट आपको ये फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे इस करेक्ट वाले को देखते ही नहीं क्योंकि उनको लगता है चलो ये तो करेक्ट हो गया इसको क्या देखना, नहीं, पर आपको इसको देखना है, ठीक है। ये चीज़ जब तक आप नहीं ऐड करोगे ना तब तक आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट नहीं होंगे। तो ठीक है, ये बहुत बड़ा आपके सामने मैं ये खोल के रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जस्ट आपको मैंने 3 पॉइंट बताया। पहला क्या करना है, आपको अनअटेम्प्ट वाले देखने हैं कि कौन कौन से आपने अनअटेम्प्ट में किए थे। तो जस्ट आपको क्या करना है, उसको पॉइंट बाई पॉइंट वन एक एक टॉपिक करके आपको नोट करना है और आप देखो कि जो आपने गलत अनअटेम्प्ट किए हैं वो क्यों किए हैं, क्या वो अनअटेम्प्ट करने लायक थे या फिर आपके पास टाइम नहीं बचा तब आपने छोड़ दिया।
तो टाइम क्यों नहीं बचा, ये सारा चीज़ आपको फोकस करना है। और आगे आने वाले मॉक्स में या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करनी है, कसम खा लेनी है, ठीक है। एंड द सेकेंड चीज़ आपको क्या देखना है कि आपने कौन कौन से गलत किए थे, ठीक है, रॉन्ग किए थे। तो रॉन्ग आप देखेंगे ना, तो रॉन्ग में देखेंगे आपने कौन कौन सा रॉन्ग किया था। तो रॉन्ग में क्या करना है आपको, ये देखना है कि आपने सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर दिया। अगर सिली मिस्टेक्स किया हो तो आने तो उसके लिए तो आप अपने आप को अभी थोड़ी देर के लिए माफ़ कर सकते हो, पर आपको ये जरूर आपसे अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आगे आने वाले दिनों में जो आप मॉक्स दोगे या फिर जो भी आप ग्रुप डी के एग्जाम दोगे वहाँ पर ये गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा आप प्रण ले लेना, संकल्प ले लेना, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक्स में यहाँ पे आपने गलती किया है तो उस टॉपिक को आप रिवाइज कर लें, और अगर रिवाइज करने के बावजूद भी गलती किया है, मतलब गलती फिर भी हुआ पढ़ा हुआ अभी, तो जस्ट आप उसको रिवाइज कर लें, यही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। एंड सेकंड थर्ड चीज़ मैंने क्या बताया कि जो आपने करेक्ट किए ना, तो करेक्ट वाले में ये भी देखना है कि आपने जो करेक्ट किया है उसमें आपने कितना टाइम लगा दिया, कहीं 3 मिनट 4 मिनट या 2 मिनट 27 सेकंड या 3 मिनट 35 सेकंड तो नहीं लगा दिया। ये इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें जब आपने अच्छे से डील कर लोगे ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी मॉक को डील करने का। ऐसे आप करोगे तो आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे और आप भी सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि आने वाले 6 महीने या 7 महीने के बाद आप किसी स्टेशन पे अपनी तैनाती ले लोगे, ठीक है। मॉक ऐसे लगाओ, ये मॉक लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो मैंने मेरे अंदर जितना भी था ना, जैसे मैं मॉक लगाता था, मेरी जो क्षमता थी मैंने उस क्षमता के हिसाब से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एंड देन आप तैयारी करो, बाकी पढ़ाई करो अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और हाँ, आगे आने वाले दिनों में अपने वीडियो के स्ट्रेटजी डालने वाला हूँ, जैसे मैंने कैसे पढ़ाई की थी मैथ्स की, मैं एक अच्छी स्ट्रेटजी लाऊंगा, क्योंकि मैथ्स तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस दोनों की मैं अच्छी सी स्ट्रेटजी लाऊंगा, उस स्ट्रेटजी के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है, वन बाई वन। तो ये था इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ यार वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत लगा है, क्योंकि ये मॉक मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए दिया था कि जिससे कि मैं आपके सामने सारा कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार मॉक को ओवरव्यू दोबारा से दिखाना चाहूँगा, ठीक है, एनालिसिस दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप कट ऑफ अगर देखोगे तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 57 to 60 गई थी, ठीक है। तो सारे कट ऑफ तो मैंने यहाँ से क्लियर कर ही लिए हैं, ठीक है। और मैंने कोई इसको मैंने सीरियसली लिया नहीं था, नहीं जस्ट मैं आपको ये दिखाने के लिए ही किया था। तो मेरे हिसाब से अगर आप मॉक्स में इतने नंबर भी लाते हो ना, टेक्स्ट बुक वगैरह वाले मॉक में, तो ये बहुत अच्छा मॉक्स है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप इससे 10 नंबर प्लस मान के ही चलना, ठीक है। तो ये मॉक का पूरा ओवरव्यू था, यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सारा कुछ ठीक ठाक है, एक्यूरेसी थोड़ी सी मुझे मेंटेन यहाँ पे करने की ज़रूरत है, मतलब इस मॉक के हिसाब से, वरना मेरी एक्यूरेसी तो ठीक ही रहती है, 85 to 90 रहती है हमेशा, ठीक है। जस्ट आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। एक्यूरेसी ठीक है, अच्छी बात है, एक्यूरेसी थोड़ा 80 प्लस के ऊपर ही रहना चाहिए, 85 रहना चाहिए, बाकी परसेंटाइल और रैंक पे आपको पूरा पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी पे आने वाली है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हेल्प मिल पाए ग्रुप डी एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे रहना, खुश रहना और पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।